अलमारी मिल जाना अच्छा बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने कंट्रोल अकाउंट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बाल बच्चों के ख्याल में ये कोई मुश्किल चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल चीज़ नहीं है। बात यह है कि कंट्रोल अकाउंट की ज़रूरत कब पड़ती है? ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जिस वक्त कंपनी जो है वो बड़ी हो जाए, काम बढ़ जाए, कंपनी बड़ी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, तो उस वक्त फिर एक जनरल से काम नहीं चलता। एक जनरल से हम हर रोज़ एक जनरल एंट्रियाँ नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंट्रोल अकाउंट बनाने पड़ते हैं और उसके साथ सब्सिडी अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सब्सिडी अकाउंट जो है वो क्या होते हैं, सब डिवीजन ऑफ द ओरिजिनल जनरल, कि वो एक ओरिजिनल जनरल है उसको हम उसका सब डिवीजन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका डिटेल क्या है। ये डिटेल जो है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम है फॉर अवर सो दैट वी कैन कंट्रोल द अकाउंट्स। आप जानते हैं कि इसके लिए फिर हमें डेली सेल्स होती है तो हमें कुछ बुक्स बनानी पड़ती हैं जिसको कहते हैं सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और इस तरह बिल रिसीवेबल बुक। और जब ये तमाम चीज़ें हम बना लेते हैं हमारे लिए मसला आसान हो जाता है। अगर जो जो चीज़ इसमें ना आए तो उसको कहते हैं वो जाएगा जनरल प्रॉपर में, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन एनी अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच वी आई हैव मेंशन जस्ट, तो वो आप लेके जाएंगे जनरल प्रॉपर में। तो सबसे पहली बात ये है, आज का हमारा जो मौजू है वो है सेल्स डे बुक या सेल जर्नल, परचेज डे बुक, परचेज जर्नल। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि सेल्स डे बुक में आपने एंट्रियाँ करनी है वो जो कि क्रेडिट सेल की होंगे, यानी कि सेल्स ऑन अकाउंट, कैश सेल की एंट्रियाँ नहीं होंगी। तो सेल्स जर्नल में आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक सेल्स डे बुक बनानी है और वो उसकी बेसिस होगी सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस में लिखा होगा कि जहाँ फ्लास शख्स को लेटर हेड जो है वो सप्लायर का होगा, सेलर का होगा, और उसके ऊपर लिखा होगा जनाब फ्लास शख्स ने हमसे इतनी चीज़ें इस भाव पे ख़रीदी हैं, वो हम नोट करते जाएंगे और उसके साथ उसका अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ये ट्रेड डिस्काउंट है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता, वो हम उसको माइनस करके टोटल अमाउंट निकाल देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सेल्स डे बुक हर मंथ की तैयार हो जाती है। हम सेल्स डे बुक जब तैयार कर लेते हैं तो फिर उसको जनरलाइज करते हैं जनरल लेजर में और सब्सिडरी लेजर में। अब कैसे होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब आप सेल करते हैं ऑन अकाउंट तो आपकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, या आप जानते हैं इसकी अकाउंट क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स रेवेन्यू। अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गया, सेल्स डे बुक बन गई, तो इसकी बजाय इसके कि हम सारे महीने की 30 दिन की 30 एंट्रियाँ डालें, हम एक महीने की एक एंट्री डालेंगे, सेल्स डे बुक में सारी आ जाएंगे और सेल्स डे बुक का टोटल जो होगा वो उसकी एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ये डेटर भी कहते हैं इसको, और ये कौन है, ये कुछ लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, यानी कि जिनसे वी हैव टू रिकवर्ड द अमाउंट अगेंस्ट विच वी हैव डिलीवर्ड द गुड्स, वी हैव सोल्ड द गुड्स टू देम। तो हम उनसे वो बेच चुके हैं, अब उनसे पैसे लेने हैं। अब हमें अकाउंट रिसीवेबल से तो पता नहीं चलेगा कि कौन कौन लोग हैं कि जिन जिनको हमने पैसे देने हैं, लेने हैं जिनसे, तो इसका क्या तरीका है कि हम उनका अलग अकाउंट खोलेंगे। इसका मतलब है जनरल लेजर की ये जो एंट्री है ये जनरल लेजर की है, ये जनरल लेजर की है और ये कंट्रोल अकाउंट है। इसको हमने देखना है कि ये कितने लोग हैं, वो हम उसके लिए क्या करेंगे कि सब डिवीजन करें, सब डिवीजन ऑफ द जनरल लेजर इनटू स्मॉल अकाउंट्स,
इस सब्सिडी लेजर निकालेंगे। सब्सिडी लेजर किसके होंगे कि इसमें कितने लोगों ने हमें हमसे चीज़ें खरीदी हैं और उन्होंने पैसे दे रहे हैं, हम उनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखेंगे और उनका अलग अलग नाम जो है अपना होगा और उसमें जो उन्होंने दिया होगा वो अपना पैसे देने होंगे हमें, वो हम वहाँ नोट करेंगे। एक अकाउंट बनेगा सब्सिडी लेजर बाय द नेम ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर के और कौन सा कस्टमर जो क्रेडिट पे चीज़ें लेता है, हम उसको वहाँ पे जो है फौरी तौर पर क्या होगा कि ये इस अकाउंट के अगेंस्ट हमारे 3 या 4 या 5 अकाउंट होंगे और वो उन अकाउंट का टोटल इससे मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सेल्स डे बुक बनाते हैं। सेल्स डे बुक में आपने लिखना होता है डेट, पर्टिकुलर्स कि क्या चीज़ है, क्या रेट है और इसका इसकी सेल्स इनवॉइस क्या है, क्या नंबर है सेल्स इनवॉइस का और इसकी तफसील क्या है और इसके बाद टोटल अमाउंट रिकवरेबल या रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर लिखा होता है और आखिर पे मंथ के एंड पे हम तमाम का टोटल कर देते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये सेल्स डे बुक कैसे बनती है। सेल्स डे बुक जो है उसको मैं सेल्स डे बुक तो सेल्स डे बुक में हम छोटी सी एक मिसाल जो है मैं मुखर्जी से देख रहा हूँ तो इसमें इलस्ट्रेशन 5 है जो पेज 6.5 पर, ये मुख्तलिफ भी हो सकता है और इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राइट अप सेल्स डे बुक ऑफ मैसर एक्स कंपनी। तो सेल्स डे बुक हम पहले हम सेल्स डे बुक बनाएंगे फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसकी एंट्रियाँ कैसे होती हैं। तो ये मैं आपको एक ही बताऊँगा इंशाल्लाह और ये आप समझ जाएंगे कि कंट्रोल अकाउंट और ये सेल्स डे बुक क्या होती है। पहले बनाएंगे सेल्स डे बुक। मेरा ख्याल है कि सवाल जो है वो डिस्काउंट वाला ले लिया जाए ताकि डिस्काउंट का मसला हम साथ ही मसला हल हो जाए बजाय इसके कि हम उसको अलग करें। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, ये कहता है जी सोल्ड, ये सबसे पहले हम बनाएंगे सेल्स डे बुक। इसमें लिखा हो यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, उसके बाद डिटेल्स और टोटल, टोटल हमने जो उनसे वसूल करना है ये हमारा एक है और इसमें हम इसको इसके मुताबिक इसको डे बुक को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं जी प्रीमियर कंपनी, इसका नाम पहले लिखें, कस्टमर का नाम जिसको आपने भेजा है उसका नाम है प्रीमियर ट्रेडर्स, इसका नाम लिखो प्रीमियर, प्रीमियर ट्रेडर्स पहले उनका नाम लिखें। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने शेयर डे बुक में उसका कस्टमर का नाम लिखना है जिसने आपसे कुछ खरीदा है। तो उसका नाम, उसे क्या खरीदा है, 100 bags ऑफ शुगर खरीदा है एट द रेट शुगर एट द रेट ऑफ 65 पर केजी। ये आपने लिख दिया है, इसका मतलब है कि इसके अमाउंट जो है ये मैं कॉलम में से लिखे हैं लेकिन यहाँ पे विरोध नहीं है तो हम इसके 65,000 उसको हमने अब उससे लेने हैं नहीं, उसके साथ साथ हमने उसे कहा है कि हम तुम्हें एक डिस्काउंट देंगे 5%। तो 5% डिस्काउंट इसके ऊपर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 3,250। ये डिस्काउंट हम देंगे तो अब हम उससे लेना क्या है 61,750। ये सेल्स डे बुक है जी, हाँ पहली एंट्री हमने सेल्स डे बुक में की है। छोटा सा रखूंगा ताकि आपको बात समझ आए, लंबी होगी तो एक ही बात है, बात तो बार बार वही करनी है जो एक दफा की है। इसके बाद 1 जनवरी के बाद 10 जनवरी को ये हम यहाँ अलग कर देते हैं ताकि हमें पता चले 10 जनवरी को ये क्या था जी 1 1
दस वन, इसमें कहते हैं जी आर एंड कंपनी। सबसे पहले नाम लिखें आप उसका, उसके बाद आपको आपसे क्या खरीदता है, सोल्ड आर कंपनी 10 bags ऑफ मिल्क पाउडर, 10 bags मिल्क पाउडर एट द रेट ऑफ रुपीज, मिल्क पाउडर एट द रेट ऑफ रुपीज 500 kg। जी और डिस्काउंट इसका है 5%, 10%, इसको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट है 10%। तो 10% डिस्काउंट जब आप देंगे तो ये कितनी अमाउंट बनती है जी, ये 10 bag है तो 5,500 के हिसाब से 5,000 ये बनेगा, ये 5,000 अमाउंट बन गई है। 10% डिस्काउंट का मतलब है कि 500 डिस्काउंट आपने दे दिया है, तो ये 4,500 रुपया आपने उससे अब लेना है। ठीक है जी, ये आप नोट करते जा रहे हैं, हर महीने की जो है ट्रांजेक्शन आती है उसको आप नोट करते जा रहे हैं। और नेक्स्ट है फिर आर एन कंपनी, तारीख है जी 10 जनवरी 20, ये हम इसको अलग करते हैं, जनवरी 20 यानी कि 21 को कहते हैं जी के टी किंग जो है कंपनी है, टी किंग उसका नाम लिखें। उसके बाद उसने खरीदा किया आपसे 10 chests ऑफ CTC टी, यानी कि 10 chests ऑफ टी ये खरीदी आपने उसे, और 2,000 का पर चेस्ट, ₹2,000 पर चेस्ट, और उसका डिस्काउंट है 10%। ये डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये है कि ये बन गया 20,000 रुपया और ये बन गया 2,000 रुपया, ये हमने काटा, हमने उससे 18,000 लेंगे जनाब, तो ये अमाउंट हमने पूरे महीने में उनसे वसूल करनी है। ये आपको मेरा समझ आ रही होगी कि आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है, क्या चीज है, किस रेट पे है, उसकी अमाउंट लिखनी है। अगर आपने उसे कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट आपने काट लेना है, और डिस्काउंट काट के महीना खत्म हो तो आप उसके टोटल काट दें। टोटल आता है जनाब 84,250। ये आपके पास आ गई है। अब आप इसका क्या करेंगे कि जनरल लेजर में एक अकाउंट बनाए, एक एंट्री करेंगे जनरल लेजर में, एंट्री करेंगे क्या, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स रेवेन्यू 84,250। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बजाय इसके के 3 एंट्रियां करते, आपने एक महीने में, ये तो एक मिसाल है, 30 दिन भी आपकी अगर सेल हो सकती है तो 30 दिन आप 30 एंट्रियां करते रहेंगे। इसको हमने कंट्रोल करना का काम बढ़ गया है, तो हमने सेल ये बुक बनाई कि लोगों की ऑन अकाउंट वाली ओनली, तो उसको हमने ये बना लिया। अब ये जो लोग हैं ये हैं प्रेमी आर एन कंपनी ठीक है, इन लोगों से हमने पैसे लेने। अब यहाँ पे बनाएंगे हम एक जनरल लेजर, ये है इसमें अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, इसमें 84,250 हम लिखेंगे, और ये कहां से आया है, सेल्स रेवेन्यू से आया है। इसी तरह हम एक अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर का, सेल्स रेवेन्यू और उसकी अमाउंट जो है हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल से आया है, और ये है 84,250। एक जगह पे डेबिट होगा, एक जगह पे क्रेडिट होगा। तो ये हमारा जनरल लेजर में हमने ये एंट्री करनी है। ये किसमें की है, जनरल लेजर में, ये जनरल लेजर में हमने अपना क्या कहते हैं, पहले जनरल लेजर डाली है, उसके बाद उसका लेजर बना दिया है। अब इस लेजर को, ये कंट्रोल अकाउंट है 84,250 अकाउंट रिसीवेबल की। अब हम बनाएंगे सब्सिडरी लेजर, मैं यही बनाना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब्सिडरी लेजर
ये होगा जी प्रेमर प्रेमी कंपनी। आर एन कंपनी एंड टी किंग ये तीन कंपनियों के नाम जो जितने भी होंगे उसमें हम लिखेंगे। अब टी कंपनी के जिम्मे है पहली कंपनी है प्रीमियर कंपनी के जिम्मे है 61,750 ये हमने उनसे लेना है ये कॉन्स्टेबल है हम इसे डेबिट करेंगे 61,750 ये जो है ये अपना रेवेन्यू है सेल रेवेन्यू है। इसी तरह हम एक अकाउंट बनाएंगे आर एन कंपनी का उसमें लिखेंगे 4,500 डेबिट करेंगे और ये कहां से आया है ये भी सेल रेवेन्यू से आया है। इसी तरह टी कंपनी में हम लिखेंगे 18,000 क्योंकि अकाउंट से डेबिट होता है इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है इसे डेबिट करेंगे और ये भी सेल रेवेन्यू से आया है। अब जब आपने ये दे लिया तो महीना खत्म हो गया आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आएगा इसका 4,500 इसका आएगा बैलेंस क्योंकि और एंट्री नहीं है तो 18,000 अगर और एंट्री हो तो जमा करें जितना रिटर्न हो। इसी तरह इसका आएगा बैलेंस 61,750। अब आप इन तीनों को जमा करें 61,750 4,500 18,000 इट शुड बी इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल 84,250 ये आता है। ये आप टोटल करके देखें कि आता है मिलता है तो फिर इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट ठीक है ये हमने सही बनाया है और ये ठीक है मतलब हमारा काम यही है कि अकाउंट रिसीवेबल की जो सब्सिडी लेजर है उनमें इतनी ही ऑर्डर होनी चाहिए जितनी यहाँ पे है। तो ये देखें 84,250 सॉरी यहाँ ठीक है 61,750 4,500 और 18,000 84,250 ये है दिस इज कंट्रोल अकाउंट। ये सेल्स लेजर जब बनाया उसमें डिस्काउंट भी शामिल है हमने उसको सादा जो है क्लियर कर दिया आपको। अब उसके बाद हम साथ इसके आते हैं सेल्स रिटर्न बुक। जब सेल्स रिटर्न बुक का मतलब ये है कि आपने सेल्स जो हैं उनको कस्टमर ने वापस कर दी या तो वो फालतू आ गई थी या कोई डिफेक्टिव थी या कोई वजह थी हमें उसे जानने की जरूरत नहीं है तो वो डिफेक्टिव है तो वो इसका मतलब ये है कि वो एक कैसे करेगा वो जो अपना कस्टमर है क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम है वो एक नोट बनाएगा और कस्टमर जो नोट बनाएगा कस्टमर जो है वो नोट बनाएगा एक और उसे कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर एंड गिविंग द ऑल डिटेल्स विच ही हैज ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। तो वो डेबिट नोट जो बनाएगा वो भेज देगा उसके पास जो है क्या कहते हैं सेलर के पास परचेजर है परचेजर होता है कस्टमर परचेजर भेज देगा उसके पास और वो बना देगा एक क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बनाएगा कि हमने सेल की थी और इतनी सेल वापस आ गई तो क्रेडिट नोट के बेसिस के ऊपर सेल्स रिटर्न डे बुक बनेगी और सेल्स रिटर्न की जनरेटेड बनेगी और उसी तरह उसको फिर हम उसको उनके इंडिविजुअल लेजर में भेजेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर सेल वापस होगी तो वो डेबिट हो जाएगी तो इसलिए मैं अभी ये आपको समझ आ गई है। अब मैं सेल्स डे बुक की बजाय सेल्स रिटर्न डे बुक बनाता हूँ ये मेरा ख्याल क्लियर होगा। सेल्स डे बुक रिटर्न डे बुक
सर टर्न टेबल का बनाते हैं जी, तो इसकी ये इसके बनाने का भी कोई तरीका वही है जो पहले बनाया था, और इसमें कुछ मसला नहीं है कि वो कैसी होगी। अंडरस्टूड है कि सेल्स टेबल जब बनती है तो सेल्स रिटर्न भी जो है उसमें भी वही चीज़ें आनी हैं जो सेल्स जे बुक पे आई थी। फर्क क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर लिखा होगा सेल्स रिटर्न डे बुक, लिखेंगे तो समझ आएगी कि ये वही चीज़ें हम लिखेंगे क्या कि डेट और वो चीज़ें तुम्हारा डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट नोट नंबर अमाउंट क्या चीज़ें आई हैं और क्या वापस आया क्या नहीं आया, तो वो आपको बताएगा कि यार ये चीज़ें वापस हम कर लें और हमारा जो है मामला सीधा हो जाएगा। तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देख रहा हूँ, छोटी सी है ताकि जो मसला है वो समझने वाली बात है। वो क्या है कि उसको हम वो कहते हैं जी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ऑफ अलाइड इलेक्ट्रिक कंपनी, अलाइड इलेक्ट्रिक कंपनी का बना रहे हैं। वो कहते हैं जी 1 अप्रैल को 1/4 को क्या हुआ, रिटर्न बाय सर ओ बानी पहले उसका नाम लिखे उस शख्स का जिसने ये चीज़ें वापस की हैं। सर ओ बानी ने 4 पीसेस ऑफ फिलिप्स रेडियो, चार पीसेस ऑफ फिलिप्स रेडियो ये वापस किए हैं उसने, और इसका रेट क्या है 1500 रुपया ईच ये वापस किए हैं जी। 4 इसका मतलब ये है कि ये बन गए 6000 रुपये। तो 6000 रुपया हमने इसमें एक अरब होगा रिमार्क्स का क्यों वापस हुए जी, ये हम 6000 तो फिलहाल हमारे लिए तो ये 6000 वापस आ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो कहते हैं जी कि 9 अप्रैल को आपने कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये उसका नाम है जी, और उसने क्या किया है थ्री पीसेस ऑफ VCP को चीज है और एट द रेट ऑफ 9000 रुपये ईच, एट द रेट ऑफ ₹9000 ईच ये उसने वापस किया है। तो इसका मतलब ये है कि 3 पीसेस हैं 9000 के, तो 27000 के वापस हो गए। रिमार्क्स के कारण हम छोड़ें जब आप लिख दें, क्योंकि रिमार्क्स को जिक्र नहीं है तो हम रिमार्क्स नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर आप लिखे जाते हैं ताकि हमें पता चले कि क्यों चीज़ वापस हुई। 29 अप्रैल को उसके बाद फिर हुआ जी 29/4 को, तो आपने वो कहते जी KNB कंपनी ने रिटर्न किया है, KNB कंपनी ये उसका नाम है जी, अगर कर लिया मैंने, और 2 पीसेज आपने वापस किए हैं उसने ऑफ 2-in-1 कोई आइटम है 2-in-1 एट द रेट ऑफ 2000 ईच। इसका मतलब है कि ये 4000 रुपये वापस हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से 37000 रुपये हमने जो है 37000 की चीज़ें सारे महीने में वापस हुई हैं। तो इसका क्या करेंगे आप, अब कैसे आप करेंगे सेल्स जनरल लेजर में एंट्री क्या होगी आपकी, जनरल लेजर में आपकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अब 37000 हमने एक ही अमाउंट डाल देनी है, इंडिविजुअल को हमने सब्सिडी लेजर में कवर करना है। ये हमने एक एंट्री डाल दी है गुड्स सोल्ड बाय रिटर्न, क्योंकि सेल हम सेल को नहीं छेड़ते, सेल को रहते हैं पता चले कितनी सेल हुई थी इतनी रिटर्न हुई है। तो इसको जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं
तो वहां सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, उसे कहते हैं नेट सेल्स। तो इस तरीके से हमने सहते, अब ये है हमारा जनरल लेजर। जनरल लेजर में जो लेजर दो खुलेंगे, एक सेल्स रिटर्न का, एक अकाउंट्स रिसीवेबल का, ये दो लिखेंगे। सेल्स रिटर्न जो है उसमें आप 37,000 लिखेंगे और वो आई है अकाउंट रिसीवेबल से। ये है जनरल लेजर। दूसरा अकाउंट इसमें खुलेगा अकाउंट रिसीवेबल का, उसमें क्रेडिट आया है 37,000 और वो आया है सेल्स रिटर्न से। इसका मतलब ये है कि हमने इसको अब ऐसे बैलेंस कर दें, अगर कोई ऑर्डर एंट्री नहीं है तो 37,000 यहाँ पे आ गया और 37,000 यहाँ पे आ गया, अकाउंट रिसीवेबल वो वापस हुए हैं, ये बैलेंस और ये जनरल लेजर। अब ये है, ये जनरल लेजर ये है, ये कंट्रोल अकाउंट है। अब इसके जो तीन नाम हैं, एसओ बानी, कैपिटल इलेक्ट्रिक, केवीएन कंपनी, इनके अलग अकाउंट बनाए। क्या? एसओ बानी, एसओ बानी, इसको हम लिखेंगे सब्सिडरी लेजर। लेजर इस सब्सिडरी लेजर में हमने इन तीन बंदों के अकाउंट बनाने हैं, एसओ बानी, कैपिटल इलेक्ट्रिक और केबीएन कप। ये तीन अकाउंट है, इनके अलग अलग पैसे जो है इसके सेल्स रिटर्न अकाउंट सेबल में क्रेडिट हुआ है। ये अकाउंट सेबल का अकाउंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो 37,000 में हम क्रेडिट करेंगे किसको? इसको एसओ बानी को 6,000 आ गए। और 6,000 जब आया तो ये कहां से आया है? ये आया है सेल्स रिटर्न से। इसी तरह हम 27,000 जो है यहां पे लिखेंगे सेल रिटर्न 27,000 और इसी तरह केबी में हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न और वो लिखेंगे 4,000। इस तरीके से ये तीन, अब ये जब बैलेंस करेंगे तो इधर आ जाएगा बैलेंस 6,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 27,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 4,000। आप इस बैलेंस को जब जमा करेंगे तो ये दिस विल बी इक्वल टू 37,000, किसके? इस अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट हुआ है ये अमाउंट, बैलेंस जो है वो ये बता रही है ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 37,000 ही होना चाहिए, 37,000 ही है, ठीक है जी। इस तरीके से सेल्स रिटर्न जो है वो आप उसी अकाउंट में करेंगे जिस अकाउंट में उसने पहले खरीदी थी। उन्हें चाहिए था कि हमारे पास पहले सेल्स होती फिर सेल्स रिटर्न होती, तो एक डेबिट होती क्रेडिट होती। बहरहाल आपको ये पता लग गया कि ये सेल्स रिटर्न जो है उसके लिए भी वही कानून तकरीबन वाई रिमार्क्स के एक कानून बनाए जाते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि जनरल लेजर के दो अकाउंट हैं, सेल्स लेजर, सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, और इसी तरह इसके जितने बंदे होंगे उतने सब्सिडरी लेजर बनेंगे, उतने ही सब्सिडरी लेजर बनेंगे। इस तरीके से हम तमाम जो है मामला। अब आते हैं कि आजकल के सेल टैक्स का एक मसला है, सेल टैक्स अगर साथ लगाओ तो फिर क्या करना चाहिए? तो सेल टैक्स अगर साथ लगाओ तो फिर हम देखते हैं कि उसको कैसे हम कवर करना चाहिए। ये मेरा ख्याल आपको क्लियर होगा। सेल्स बुक, सेल्स डे बुक विद सेल टैक्स, कि उसमें सेल टैक्स भी लगाओ तो फिर कैसे हम करेंगे? सेल टैक्स जो है ये आप जानते हैं कि सेल टैक्स जो है ये हम अपनी प्राइस जो होती है उसमें प्लस करते हैं,
उस प्ला उन दोनों अमाउंट को हम कस्टमर से वसूल करते हैं, एक तो प्राइस हमारी और उसके बाद साथ सेल टैक्स ये कस्टमर को देते लेते हैं और कुछ दिनों के बाद हम गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। इसलिए वो एक लाइबिलिटी है जो हमने हमारे जिम्मे है हुकूमत की तरफ से, और वो हमारे पैसे नहीं हैं, हुकूमत के पैसे हैं, हम हुकूमत को जमा करा देंगे। इसलिए वो अब कैसे कॉन्फर्म, सेल्स जो है वो ये, इसके लिए मैं एक छोटा सा एक सवाल है, ये 6.7 पर इलस्ट्रेशन 7 इसको मैं करता हूँ और इस तरह अब हम इसको इजीली जो है हमें पता चल जाएगा कि ऐसी इसी तरह सेल्स जो बुक में हम इसको किस तरह जमा करते हैं और इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री क्या होती है वो अब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हम सेल्स डे बुक बनाएं, सेल्स डे बुक हमने बनाई और उसमें वही हमारा मसला वही है, डेट पर्टिकुलर्स ग्रॉस अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट नेट प्राइस, उसके बाद सेल टैक्स 10% उसमें एक बता दिया कि सेल टैक्स ये होगा और टोटल अमाउंट अब आपने उससे ये लेनी है। अब ये हमारे पास सेल टैक्स के साथ आता है तो उसने ओवरऑल बता दिया कि हर आइटम पर सेल टैक्स 10% ही होगा। तो कहता जी फर्स्ट में एक डेट लिखी हमने, उसने कहा जी सोल्ड टू अलाइड रेडियो, अलाइड रेडियो पहले लिखे, अलाइड रेडियो को कस्टमर है, इसको हमने क्या भेजा, फाइव पीसेस ऑफ रेडियो 1000 का है, 1000 का है एट द रेट ऑफ ₹1000 और 5% डिस्काउंट। अब इसमें एक और इजाफा होगा।